नायरा के मेकअप किट के सारे सामान खत्म हो जाते हैं, तो वो सोचती है क्यों ना एक नया मेकअप किट खरीदा जाए। थोड़ी देर बाद नायरा शॉपिंग मॉल चली जाती है। मॉल पहुंचकर नायरा मेकअप सेक्शन वाले शॉप में जाती है और अपना मेकअप किट खरीद लेती है। मेकअप किट खरीद कर नायरा जैसे ही मॉल से बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत ही जोरदार बारिश हो रही है, तो वो वहीं पर टैक्सी का वेट करती है। कुछ ही देर में टैक्सी वहां पर आ जाती है। नायरा टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। वह अपने रूम जाकर मेकअप किट को सोफे पर रख देती है। उसके बाद नायरा फ्रेश होने चली जाती है। जब फ्रेश होने के बाद नायरा वापस आती है तो देखती है कि मेकअप किट मिसिंग है वहां पर। फिर नायरा रूम के सभी तरफ ढूंढ लेती है लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिलता, तो उसे अपने सोसाइटी में रहने वाली कुछ औरतों पर शक जाता है। हो ना हो इन्हीं में से किसी न किसी ने मेकअप किट चोरी किए होंगे। फिर नायरा सबको कॉल करके घर बुलाती है और अपने मेकअप किट के बारे में पूछती है, तो सभी देखने से मना कर देते हैं। फिर नायरा सभी से पूछती है, आप सब लोग अभी क्या कर रहे थे? सबसे पहले पल्लवी बोलती है, मैं तो राघव के साथ टीवी देख रही थी। फिर गोपी बोलती है, मैं तो छत पर पापड़ सुखा रही थी। फिर दया बोलती है, मैं तो टप्पू के पापा के लिए चाय बना रही थी। सभी का आंसर सुनकर नायरा को तुरंत पता चल जाता है कि उसका मेकअप किट किसने चोरी किया है। तो क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हैं नायरा का मेकअप किट किसने चुराया है? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट करिए। आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर चोर कोई और नहीं गोपी है, क्योंकि गोपी ने कहा कि वो छत पर पापड़ सुखा रही थी जबकि बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इसका मतलब है कि गोपी झूठ बोल रही है और चोरी उसी ने की है। वैसे दोस्तों आपने चोर को पकड़ने में कितने सेकंड का वक्त लिया? कमेंट करके जरूर बताइए।